ये है दरवाजा नीचे की तरफ जाने का। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज बारिश नहीं हो रहा है बाहर, क्योंकि दो दिन से बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह सुबह, क्योंकि आज मन किया थोड़ा सा सुबह से ब्लॉग स्टार्ट करने का। और ये आप पीछे जो देख रहे हो ना, येलो कलर का रस्सी टंगा हुआ है, इसको प्लीज़ आप इग्नोर कर दो, क्योंकि बारिश की वजह से मैंने घर के अंदर ये रस्सी टांग दिया था कपड़ा सुखाने के लिए। और कुछ ऑप्शन ही नहीं है, बाहर छत पे नहीं सुखा सकती, कब अचानक बारिश आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। एक्वेरियम में अभी मेरे सिर्फ दो ही फिश बचे हैं, छोटा छोटा दो फिश, और मैंने उनको सुबह खाना दिया है। रात को मैं पहले रात को दे रही थी, लेकिन फिर मैंने टाइम चेंज करके सुबह कर दिया, सुबह मैं इन लोगों को खाना दे रही हूँ। थोड़ा सा ही दे रही हूँ, 6-7 दाने बस। ओके, तो क्योंकि सुबह का टाइम है, लोगों को पता है कि सुबह के रूटीन में मेरा क्या क्या होता है। वो रूटीन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा मशीन चला देती हूँ, वॉशिंग मशीन, ताकि कपड़ा भी उसी बीच मेरा धुल जाए। और मैं बाहर जाके देखूंगी थोड़ा वेदर कैसा है, अगर ठीक ठाक रहा तो छत के ऊपर सुखाऊंगी, नहीं तो वही पुरानी ऐसे रस्सी पे टांग लूंगी। अरे और एक फिश कहाँ गया, ब्लैक कलर आ गया रहा। ये भी छोटा वाला इधर उधर इधर उधर। सो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, आप घर में जो भी वर्कआउट करते हैं उससे पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कहीं पे भी मोच आ सकता है, तो इसीलिए वार्म अप करना मत भूलिए। वार्म अप करने के लिए बहुत ही सिंपल सा 4-5 स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि मैं रेगुलरली फॉलो करती हूँ घर में। पहले स्टार्ट करेंगे हेड से लेके हम पाँव तक जाएंगे, कैसे हम वार्म अप कर सकते हैं। ओके, हमारे गर्दन के लिए वार्म अप हम कैसे कर सकते हैं। ये हुआ 1 रिपीटेशन, आपको ऐसे 10-15 रिपीटेशन करना होगा। तो ये हो गया गर्दन, अब आते हैं शोल्डर पे। तो ये शोल्डर का ये जो जॉइंट है, इसके लिए हम कैसा वार्म अप करेंगे। क्लॉकवाइज हम करेंगे 10 रिपीटेशन, अब करेंगे एंटी क्लॉकवाइज में 10 रिपीटेशन। नेक्स्ट ये रिस्ट, पहले ये क्लॉकवाइज करेंगे 10-15 रिपीटेशन, एंड देन एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे 10-15 टाइम्स रिपीटेशन। शोल्डर हो गया, रिस्ट हो गया, अब वेस्ट की तरफ आते हैं, इसको भी हम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोथ टाइप्स करेंगे 10-15 टाइम्स रिपीटेशन। अब लास्ट में आता है लेग की तरफ, तो पहले हम करेंगे ये नी के लिए, एंड देन करेंगे एंकल के लिए। खत्म हो गया, अब मैं करूंगी टोटल बॉडी के लिए थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करूंगी, जो कि मैं अभी आपको नहीं दिखाने वाली हूँ। पहले मैं वो खत्म कर लूँ, देन आप लोगों के साथ बात करूंगी। छत पे जा रही हूँ देखने के लिए कि बाहर का वेदर कैसा है, नहीं तो मैं कपड़ा सुखाने जाऊंगी और फिर नीचे आऊंगी तो बाहर बारिश शुरू हो जाएगा, तो पहले मैं देख के आती हूँ। दो दिन से इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है ना, कपड़ा बिल्कुल घर के अंदर ठीक से सूखता ही नहीं, कितना पानी यहाँ पे जमा हुआ है। और वेदर भी अभी तो ठीक लग रहा है, बट कभी भी बारिश हो सकता है, और घर के अंदर पता ही नहीं चल रहा है कि कब बारिश स्टार्ट हो गया। जब बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा होगा तब जाके घर के अंदर पता चलेगा कि हाँ बाहर बारिश हो रहा है, और तब तक कपड़ा भीग भी जाता है पूरा। तो मैं सोच रही हूँ आज भी घर के अंदर ही सुखा लूँ। ये देखो, आज थोड़ा आपको लोग दिख रहे होंगे क्योंकि आज शायद शटडाउन नहीं है, 7 दिन का था शटडाउन तो हट गया।
पीछे की तरफ जो रास्ता है ना, वो मारीपदा का मेन मार्केट रोड है, और उस तरफ एक रास्ता है, उसमें है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल उसको हॉस्पिटल रोड ही बोलते हैं, क्योंकि उस लाइन पे मारीपदा का हेडक्वार्टर है। एंड ये पूरा मार्केट एरिया है, इसमें सारे दुकानें हैं। ये है दरवाज़ा नीचे की तरफ जाने का, दूर से कुछ ऐसा दिखता है। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि आरती उठा नहीं था अभी तक, और मेरा कपड़ा तो धुल गया है। मैं इसको घर के अंदर ही सुखा दूँगी एंड खाना बनाऊँगी ऑब्वियसली, क्योंकि आरती के पापा आने वाले हैं, उनका नाइट शिफ्ट का आज लास्ट डे है। तो अभी आ जाएंगे, पहुँच जाएंगे, तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने। मिलती हूँ मैं आपको बाद में। सुबह ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही हूँ आज ओट्स का चीला। तो ओट्स का चीला मैंने पहले भी बनाया है, लेकिन तब मैंने ओट्स को ग्राइंड नहीं किया हुआ था, लेकिन अभी मैंने ओट्स को थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड मतलब क्या, 5 to 10 सेकंड के लिए ही आपको ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, उतने में एक फाइन पेस्ट बन जाएगा। और उसमें मैंने ऐड किया है चॉप्ड किया हुआ ऑनियन, हरी मिर्च को भी मैंने चॉप किया है, एंड उसमें ऐड किया है हल्दी, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर एंड थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, ताकि थोड़ा सा स्पाइसी लगे और अच्छा लगे टेस्ट वाइज। आज लंच में एक्चुअली मैं एक नया चीज़ बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करूं। पहले मैं वो चीज़ आपको दिखा देती हूं क्या मैं बनाने जा रही हूं, फिर आपके साथ आगे आगे बताती जाऊंगी कि मैंने ये कहां से सीखा। तो ये है क्यूकम्बर। क्यूकम्बर जो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा पक जाता है, वो वाला क्यूकम्बर है। इसको हम सैलड में नहीं खा सकते, तो इसको मैंने ऐसे क्यूब जैसा काट लिया है, उसके सारे सीड्स मैंने निकाल दिया है। एंड ये डिश के लिए मुझे और चाहिए अदरक, ये जीरा पाउडर है, ये सूखी मिर्च और गार्लिक एंड मस्टर्ड सीड्स। ये मैंने मसाला एक पेस्ट बनाने के लिए रखा है, और उसको छोंक लगाने के लिए मैंने रखा है यहाँ पे गार्लिक ऑब्वियसली एंड सूखी मिर्च, ये पंचफुटन जो है वो है, एंड करी पत्ता, एंड ये ड्राई मैंगो है। ड्राइड मैंगो जो आंबुलो बोलते हैं उड़िया में, वो है, तो उसको भी हम ऐड करेंगे। तो पहले वो जो पेस्ट बनाने के लिए मैंने जो सामान रखा है, उसको एक फाइन पेस्ट में बना लूँगी, देन आगे आगे मैं बताती हूँ कि हमें क्या करना है। तो ये एक्चुअली मैंने सीखा कहाँ से है, जो कुछ दिन पहले मैं गई थी ना, मेरा एक वीडियो था, आप लोग देखे होंगे, जो मेरा और एक माइका वाला वीडियो, तो वहाँ से मैंने सीखा है। तो पहले हम वो जो क्यूकम्बर को पीस पीस हमने काट लिया है, उसको पहले बॉयल कर लेंगे। तो बॉयल करने के लिए थोड़ा सा ऑब्वियसली पानी देंगे, देन पानी में ऐड करेंगे वो जो पेस्ट, वो ऐड करेंगे। अब उसमें ऐड करेंगे हल्दी, थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे, एंड वो जो ड्राइड मैंगो है उसको ऐड कर देंगे। देन ऐड करेंगे वो क्यूकम्बर पीस पीस मैंने पहले से जो काट के रखा है वो, नमक ऐड करेंगे एंड थोड़ा सा चीनी ऐड करेंगे। चीनी मैंने 2 चम्मच ऐड किया है, चीनी ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये खट्टा मीठा टाइप लगेगा। तो उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे एंड कवर कर देंगे बॉयल होने के लिए। बीच बीच में देखते रहेंगे, जब वो बॉयल हो जाएगा फिर उसको निकाल के छोंक लगाएंगे। तो उसी कढ़ाई में मैंने लिया है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, देन उसमें ऐड करूँगी पंचफुटन। पंचफुटन जब क्रैकल होना शुरू हो जाएगा, उसमें वो जो सूखी मिर्च है उसको मैं तोड़ के दे रही हूँ। देन ऐड कर रही हूँ करी पत्ता एंड गार्लिक को भी मैंने क्रश कर लिया है। तो उसको अच्छे से सॉटे करेंगे, जब वो अच्छे से हो जाए उसमें ऐड कर देंगे वो बॉयल किया हुआ क्यूकम्बर, एंड उसको 5 से 7 मिनट तक बॉयल होने के लिए देंगे। उसका पानी थोड़ा कम हो जाए तब तक, और हमारा वो जो डिश है वो बनके रेडी हो गया। बहुत ही यम्मी लगता है खाने में, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।